जीडीए बोर्ड की बैठक बुधवार को मंडलायुक्त व जीडीए के अध्यक्ष जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, जीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुमार, सचिव राम सिंह गौतम सहित अन्य अधिकारी और बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में रामगढ़ ताल के 500 मीटर दायरे में लंबे समय से मानचित्र पास होने पर लगी रोक तो हट गई, लेकिन इस क्षेत्र में हाई रिस्क व्यावसायिक एवं ऐसे क्षेत्र के नक्शे जिनका मानचित्र पास न होके मानचित्र के बदले अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। बैठक में यह तय किया गया है कि मानचित्र पास करते समय पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाए। मानचित्र पास होने का रास्ता खुलने से हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी। बैठक में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने रामगढ़ ताल के 500 मीटर क्षेत्र में हुए निर्माण ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के खिलाफ जीडीए ने एनजीटी में अपील की थी। इस बीच शासन ने रामगढ़ ताल के वेटलैंड का दायरा निर्धारित करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वेटलैंड के दायरे में किसी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध है। इसके बाहर के क्षेत्रों में इस तरह की कोई रोक नहीं है। लंबे समय से ताल के 500 मीटर दायरे में मानचित्र पास करने पर भी रोक लगी थी। वेटलैंड का नोटिफिकेशन आने व एनजीटी से राहत मिलने के बाद इस मामले को जीडीए बोर्ड की बैठक में रखा गया। बोर्ड में यह तय किया गया कि इस क्षेत्र से आने वाले मानचित्र के आवेदनों की गहनता से जांच की जाएगी। यदि पर्यावरण के मानक पर वे खरे होंगे तो उसे पास किया जाएगा। बोर्ड ने फैसला लिया कि महायोजना 2031 में ग्रीन बेल्ट महायोजना 2021 में उल्लेखित क्षेत्रफल से कम नहीं होगा, यानी क्षेत्रीय पार्कों की संख्या में भी कमी नहीं होगी। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए 372 करोड़ रुपए आय के सापेक्ष 371 करोड़ के व्यय का बजट पास किया गया। इसके साथ ही बोर्ड को बताया गया कि कोरोना काल के बावजूद जीडीए की आय में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई। मंडलीय कार्यालय के लिए कंसल्टेंट हायर करने के लिए भी मंजूरी मिली है। बैठक में अयोध्या की तर्ज पर गोरखपुर शहर के विकास का प्लान तैयार करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। जीडीए की ओर से सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंसी फर्म हायर करने को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया गया है। मानबेला किसानों के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्ताव संख्या 118 सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया था, परंतु किसी भी कानून का अवलोकन किया गया तथा विचार विमर्श के उपरांत प्राप्त समस्त किया गया। उत्तर जो मानचित्र का इसको आरक्षण करता है व्यावसायिक संपत्तियों का मूल्य घोषित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आप वही है समझ।